नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अपनी बिहार की चुनावी चर्चा को लेके सोरा गांव में। सोरा गांव भी बाढ़ से त्रस्त गांव है और बाढ़ की समस्या से यहां पे भी लोग दो चार होते हैं। ये इलाका मैं दिखाना चाहूंगा, इस इलाके में भी बाढ़ का पानी घुस जाता है, बाढ़ से त्रस्त रहते हैं जो लोगों के घर, झुग्गी झोपड़ी, जो कच्चे मकान जो होते हैं उनकी, उनसे सबको परेशानी होती है, इधर उधर जाना पड़ता है, विस्थापित किया जाता है, सरकार की तरफ से विस्थापित किया जाता है। और जो सड़कें आप ये सड़क देख रहे हैं, इसके भी एक एक डेढ़ फुट तक पानी ऊंचा भर जाता है। यहीं पे ही कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं करते हैं क्योंकि अब इनकी अहमियत एक नेता से ज़्यादा और कौन जान सकता है, क्योंकि मतदान का टाइम आ चुका है ना, तो अब इनकी अहमियत नेता के लिए बहुत ज्यादा हो चुकी है। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद विश्वास। अरविंद जी, क्या लगता है इस बार आपको चुनाव में क्या होगा? होगा, वोट डालेंगे? नहीं, वोट तो डालोगे, फिर भी किसका जोर लग रहा है यहाँ पे? फुल छाप। फुल छाप से कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं? कैंडिडेट? हाँ, विनोद यादव। विनोद यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं उनसे? उम्मीद है कि काम करेगा। यहाँ से हाजी हुसैन चुनाव जीते हुए हैं, मौजूदा विधायक हैं, और वो अब दूसरी साइड जाके चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि जिस पार्टी से वो लड़ते थे चुन टिकट नहीं मिला। उसके अलावा और भी 10 कैंडिडेट अलग हैं, यानी कि टोटल आपके इस विधानसभा क्षेत्र में 12 कैंडिडेट हैं। तो कमल छाप ही क्यों अब की बार, क्यों कमल छाप इस बार देना? इस बार यहाँ से तो आप क्या कह रहे हैं कि अब उसके ऊपर क्या मजबूत है, क्या इस तरीके से आपको क्या लगता है, क्या मजबूत लग रहा है? मजबूत नरेंद्र मोदी है ऊपर में हम लोगों का, और क्या। अच्छा, कुछ मदद वदद हुई है मोदी जी की तरफ से? हाँ, दिया है जी। क्या मदद हो रही है? पैसे थोड़ी देते हैं। अच्छा, कितना पैसा मिला है? पैसे तो मिला है जो 5,000 करके। अच्छा, वो किसान वाला पैसा मिलता है? किसान वाला किसान को मिलता, हम लोग तो मजदूरी है। हाँ, तो मजदूरों के लिए भी स्पेशल भेजते हैं पैकेज, वो भी मिलता है आपको? राशन मिलता है? राशन तो मिलता है। राशन में क्या क्या मिलता है? चावल, बादाम, दाल। हाँ, और क्या मिलता है राशन में? राशन, तेल, गेहूं। अच्छा, और जो 500 रुपए भेजे थे मोदी जी ने, वो भी मिले हैं? हाँ, वो मिले हैं। कितने बार मिले हैं? एक बार मिला है वो 500, बाकी और ज्यादा कुछ मिला। अच्छा, गैस का सिलेंडर का पैसा भी मिला? हाँ, है वो भी मिला, गैस का सिलेंडर भी मिला। हाँ, मिला सब। अच्छा, तो लोग तो कह रहे हैं कि जो राशन मिलता है उसमें तो काम ही नहीं चलता है, जितना राशन देते हैं उसमें कहाँ काम चल रहा है महीने का? वो तो किसी परिवार जिसका ज्यादा है तो कहाँ चलेगा, जिसका कम है तो उसका सही चल रहा है। अच्छा, यानी कि आप मानते हैं कि काम फ्री मिलेगा तो काम भी करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि बैठ के खाएंगे तो कैसे पेट भरेगा, सब्जी कौन देगा? चलिए, जो लोगों को फ्री तो मिल रहा है, लोग संतुष्ट हैं, ऐसी बात नहीं है कि मिला नहीं है कुछ भी, और ये भी नहीं है कि यहाँ से बीजेपी की गढ़ है और इससे लोग सीट चुनाव जीतते हैं, इस वजह से ये लोग ऐसा कह रहे हैं। यहाँ मौजूदा विधायक हाजी अब्बू हैं, उनके उनसे नाराजगी है लोगों की, क्योंकि पिछले 15 साल से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और अब चुनाव का टाइम आया है तो अब लोगों के घर घर वो भी घूम रहे हैं, तो इस चीज से इनसे पूछते हैं। तो क्या हाजी हुसैन से मिले हो? हाजी से मिले हो कभी? कभी नहीं। क्यों? आपका तो विधायक है वो। विधायक है मगर के जब ये नहीं करता तो कैसे मिले? अच्छा, और क्या कहे? कभी आया नहीं आपके पास? नहीं, कभी नहीं। बाढ़ के टाइम पे कभी नहीं, नहीं आया है। पैसा मिला है आपके बार बाढ़ वाला? हाँ, बाढ़ वाला पैसा मिला। कितना? अच्छा, 5,000 मिला था। 5,000 मिला है आपको बाढ़ का? तो विधायक ठीक तो है फिर, जब पैसा दिलवा दिया और क्या चाहिए? पैसा वो नहीं दिलवाया है, और दूसरा पार्टी उसमें लगा था, पैसा हम लोग को मिला। अच्छा, तो वोट किसे देने वाले हो? वोट वही फूल छाप में देंगे हम लोग। फूल छाप में ही? तो यहाँ पे फूल छाप ही लग रहा है बस? बस ऐसे समझिए कि हम लोग अटल हो गए हैं। अच्छा, जो करेंगे तो उसी को करेंगे, अपना देश बचाना है, अपना काम करना है बस।
तो देश में क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है देश में? जैसे कि दूसरा आदमी हो जाएगा तो फिर हम लोग को तकलीफ देगा, ऐसे सामान नहीं मिलेगा। अच्छा, यही बात है, क्या मतलब? बाकी रोजगार, शिक्षा ये कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा। जैसे कि रोजगार तो हम लोग अब बुरा हो गए, हम लोग आगे तो नहीं जा सकेंगे। और हाँ। और हल्का हल्के जो होता है हम लोग यहाँ करते हैं। अच्छा, यही बात। अच्छा, बड़ा पार्टी में अगर रोजगार में करेंगे तो हम आप नहीं सकेंगे? नहीं, बच्चों की बात करूं। हाँ, बच्चों अभी छोटा छोटा है। हाँ, तो वो बड़ा भी तो होंगे। हाँ, बड़ा होगा तो वो फिर सोचेगा ना। अच्छा, यही भी तो रोजगार मिलेगा उम्मीद है? हाँ, मिलेगा उनको। अच्छा, नीतीश सरकार किसकी बन रही है बिहार में? हाँ, किसकी सरकार बन रही है बिहार में? अपना सरकार है। अपनी बनेगी? हाँ। अच्छा, पूरा विश्वास के साथ? पूरा विश्वास के साथ हम लोग। अच्छा, तो आप क्या चला, क्या बना क्या रहे हो आप? ये किसके लिए बना रहे हो? ये जो बना रहे हो ये क्या बना रहे हो? बच्चे के लिए। अच्छा, तो इसमें जो काम कर रहे हो इसमें कितना पैसा आपको मिल जाता है, किस तरीके से इसका हिसाब आप लगाते हो? 300 भी मिलता है दिहाड़ी के हिसाब से। अच्छे, तो चुनाव चल रहे हैं तो आप जो वोटिंग का दिन आने वाला है, नेताओं का घर घर लगा हुआ है डेरा, खाना भी खा के जाएंगे, चाय भी पियेंगे, सब काम करेंगे, तो चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव तो वही फुल छापा है। हाजी क्यों नहीं है? वो तो 3 बार जीता तो कभी घूमने नहीं आया। अच्छा, 3 बार में। वैसे आपके क्षेत्र की समस्या क्या है सर? इस क्षेत्र में आप इतने दिनों से रह रहे हो, उम्र भी हो गई है, बच्चों से लेके छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, सबका आपको अनुभव है, इस क्षेत्र में समस्या क्या है? समस्या क्या है? क्या बाल लेके कुछ खेती खराब हो गई, मर रहा है। तो सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पे बाढ़ की? हाँ, बाढ़ की ज्यादा है, पूरा धान बाद का खत्म। तो विधायक से उम्मीद है कि बस इसका समाधान पहले करो। क्या समाधान होना चाहिए इसका? वो तो आप वही करेगा जो नहीं करेगा। आप क्या बांध बनने चाहिए, कटान बंद होना चाहिए? हाँ, कटान बंद होने से तो कटान बंद हो जाएगा तो सही होगा। अच्छा, नहीं तो मरेगा यहाँ का। अच्छा, तो इस इलाके की जो सबसे बड़ी समस्या बाढ़ वाली है। हाँ। बाढ़ की समस्या से ही लोग दो चार होते हैं, रोजगार की कोशिश करते हैं, रोजगार ढूंढते हैं, रोजगार बनाते हैं, रोजगार चालू करते हैं, और तब फिर बाढ़ आ जाती है, वो उसे बहा ले जाती है। यही समस्या से ये लोग दो चार रहते हैं, हमेशा जूझते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी विधायक आए, सड़क, स्कूल, विकास, वो एक तरफ, उस विकास को एक तरफ करके सबसे पहले इस कटान का समाधान कराए। कैमरामैन राजेश के साथ प्रदीप कुमार, बिहार।